का सम्मान सृष्टि का। सममानंद साहित्यकार प्रभा को सावित्री और कवियत्री गीता को सीमा स्मृति सम्मान दिया। बरेली मानव सेवा क्लब द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुक्रवार को रोटरी भवन में सीमा सावित्री स्मृति दिवस पर कर्मठ नारियों का सम्मान किया गया, जिसमें सिकंदरा राव की कवियत्री गीता सिंह गीत को सीमा क्लब आज नारी सम्मान का कार्यक्रम यहाँ रोटरी भवन में था, जिसमें सिकंदरा राव की कवित्री गीता गीत और हल्द्वानी की कवित्री प्रभा पंत का यहाँ पर सम्मान किया गया। सीमा स्मृति सम्मान और सावित्री सक्सेना स्मृति सम्मान, ये दोनों पैरों से विकलांग को ट्राई साइकिल बांटी गई और इसके अलावा विविध संवाद पत्रिका का नारी विशेषांक का विमोचन अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर एनएल शर्मा ने की और विशिष्ट आतिथ्य रमेश गौतम जी ने और सीमा सक्सेना ने, साधना मिश्रा ने और नीता अहिरवार ने ग्रहण किया और जितनी भी रचनाकारों ने यहाँ पर अपनी रचनाएं दी उनको सम्मान किया गया। जो नारी कर्मठ थी उनका भी हम लोगों ने यहाँ पे सम्मान किया। धन्यवाद। महानगर अल्पसंख्यक विभाग के महानगर अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना कुरैशी जी के नेतृत्व में MIM पार्टी छोड़कर तमाम हमारे नौजवान साथियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और ईडी के इंचार्ज आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा मुन्ना कुरैशी को महानगर का अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बनाया गया है और इन्होंने जब से इनको बनाया गया तब से बरेली महानगर में तमाम पार्टियों के लोगों से संपर्क करके, कांग्रेस पार्टी के नौजवानों से संपर्क करके कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए तमाम प्रयास किए हैं। उन्हीं प्रयासों के तहत आज MIM छोड़कर हमारे तमाम नौजवान साथियों ने मुन्ना कुरैशी के नेतृत्व में और हमारे हाजी सुल्तान खान साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व विशेष आमंत्र सदस्य, हमारे यहाँ से चुनाव लड़े बरेली कैंट से नवाब मुजाहिद हसन खान ने यहाँ पर सभी को अपना आशीर्वाद दिया और आशीर्वचन कहे। इस मौके पर विशेष रूप से हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जिलाध्यक्ष विनय हुसैन साहब भी मौजूद हैं और हमारे ज्वाइन करने वालों में जो हमारे नौजवान साथी हैं हाजी सुल्तान खान साहब के साथ में सरताज कुरैशी जी, अरशद सकलैनी जी और सुभान कुरैशी जी, इमरान कुरैशी जी, शानू आशू जी और इब्राहिम और मुकीम खान, इन सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि आगामी आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे और महानगर अध्यक्ष हमारे मुन्ना कुरैशी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से 2022 में और 2024 में बरेली से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ हम सभी को इस मौके पर जिन लोगों ने ज्वाइन की है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाइयां देते हैं और हम समझते हैं कि इन लोगों के आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। जय हिंद। हाँ बोलिए सर। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने देश को नई दिशा और नई दिशा प्रदान की और उनके पक्ष में चल करके आज श्रद्धा सुमन के लिए अर्पित करते हैं। उनकी याद में दो शब्द, आंधी और तूफानों में भी अधिक अटल पथ बढ़ते जाएं, आंधी और तूफानों में भी अधिक अटल पथ बढ़ते जाएं, रुके कभी ना झुके कभी ना पथ पर अविचल बढ़ते जाएं। देश धर्म और राष्ट्र प्रेम की, देश धर्म और राष्ट्र प्रेम की अटल अलग जगाते जाएं,
ऐसे कर्मठ योद्धा को हम नमन करें और शीश झुकाएं, ऐसे कर्मठ योद्धा को हम नमन करें और शीश झुकाएं। राष्ट्र प्रेम ही गौरव जिनका, राष्ट्र प्रेम ही गौरव जिनका, सांसों के क्रम से ऊंचा हो, हम रहें ना रहें देश रहे सदा ही, हम रहें ना रहें देश रहे सदा ही, चिंतन से रत रहे सदा ही, ऐसे परम कर्मों से, ऐसे परम कर्मों से क्या पुरुष बन जाते हैं, अगर अमर रहें वो सदा ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एक फोटो ले लो सीधे ठीक है।